अस्सलाम वालेकुम। डिश कुकिंग में आपका वेलकम है। आपसे शेयर करने वाली हूँ चावल की खीर की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 लीटर दूध लेकर हम अच्छी तरीके से उसको एक बॉयल आई तक अच्छे से गर्म कर लेंगे। 10 से 15 मिनट में हमारे दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल को। 2 टेबल स्पून चावल हम पहले ही वॉश कर साइड में रख दिया था। अब हम इसको ऐड करेंगे दूध में, पानी फेंक कर ऐड करेंगे। चलिए अब ऐड करते हैं हम 2 टेबल स्पून चावल को दूध में। दूध में ऐड करने के बाद 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरीके से उसको लो टू मीडियम आंच पर अच्छी तरीके से पका लीजिएगा। बीच बीच में भी चेक करते रहिएगा। हमारे चावल अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून शुगर। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में अब हम 5 मिनट लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से इसको भी पका लेंगे। अब हम एक छोटी सी कढ़ाई लेकर अब उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून शुगर डालकर उसको हम देखिए हल्का हल्का सा ये कैरमेल होना शुरू हो चुका है। अच्छे तरीके से हम इस टाइम पे हिल अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इक्वली गोल्डन होना चाहिए। अच्छी तरीके से ये गोल्डन हो चुका है। अब हम इसको खीर में ऐड कर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक। इसमें डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करिए। कोई घंटे नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। जितनी आपको चाहे उतनी आप डाल लीजिएगा। अब हम इसको भी डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे 2 मिनट तक। अब हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे गार्निशिंग के साथ। आप भी ये रेसिपी ट्राई कर मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप भी ट्राई कर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़। अगले व्लॉग में मिलेंगे।